हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अभी देखिए बीपीसी का प्रीलिमिनरी का फॉर्म भरा रहा है और रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है। अभी सबका टाइम अभी बचा हुआ है, लेकिन आप जितना जल्दी हो सकता है इसको फॉर्म भर लें, क्योंकि फॉर्म भरने में बहुत दिक्कत हो रही है। इसका बीपीसी का वेबसाइट का ये हमेशा का है, आज कोई नई चीज़ नहीं है, हमेशा का इसकी वेबसाइट में प्रॉब्लम आता है। तो अब आपके पास समय बहुत कम है, तो जल्दी से आप रजिस्ट्रेशन कर लें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के आपको एक दिन बाद पेमेंट करना है, उसके एक दिन बाद आपको फॉर्म आएगा। फॉर्म सबमिट करने के बाद भी कुछ लोगों का प्रॉब्लम आ रहा है कि फॉर्म सबमिट करने के बाद फॉर्म जो है प्रिंट के लिए जो आता है उसमें ऑप्शन, वो ऑप्शन डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो देखिए, ऐसे वेबसाइट का प्रॉब्लम है और ऑप्शन डिस्प्ले होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, आ जाए या फिर हो सकता है बाद में अपडेट करें, लेकिन वो कहीं जाएगा नहीं, आपके डैशबोर्ड पर आ जाएगा। तो इस मामले में अगर आप फॉर्म सबमिट कर दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सुरक्षित हैं। और वहाँ पर फॉर्म डाउनलोड करने के लिए जो है कंप्लीटेड फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, आप अपना काम को जो है अंजाम दें, अपना काम में लगे रहें। आज जो हम लोग बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं हम लोग बुक्स। बहुत लोगों का ऐसा कमेंट आ रहा था कि बताइए इसके बारे में बुक्स, और बहुत दिनों से सुन रहा था मैं, पहले भी पिछले बार बताया था, तो 2017 का था वो। तो अभी मैं कुछ इसमें कुछ अपडेट करके मैं आपको बता देता हूँ। मार्केट में बहुत सारे बुक है, लेकिन जो बुक आपको फॉलो करना चाहिए, बुक तो मार्केट में आपको एक से एक नए नए मिलेंगे, लेकिन नए बुक, चूँकि मुझे बहुत ज़्यादा नया बुक के बारे में आइडिया भी नहीं है, मार्केट में अगर कुछ मुझे नया बुक मिलेगा तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा, अपडेट करूँगा। लेकिन अभी जो आपको जो प्राइम टाइम, अभी जो आपको जो मेन जो पढ़ना है, उससे रिलेटेड कुछ जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो बीपीसी का अगर देखेंगे तो सिलेबस में आपका प्रीलिमिनरी की बात कर रहे हैं, 64th प्रीलिमिनरी का। तो प्रीलिमिनरी में क्या होता है, आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करेंट अफेयर्स और उसके साथ साथ बिहार स्पेशल, मैथ हो गया, साइंस हो गया, तो ये सारे जो है टॉपिक आपको पढ़ना होता है। और इस सारे टॉपिक से क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन को देखकर आपको लग ही रहा होगा कि क्वेश्चन अब थोड़ा सा डीप से पूछने लगा है, तो एनसीईआरटी को आप जरूर फॉलो करें आप। तो इससे रिलेटेड कुछ बुक्स हम लोग देख लेते हैं। तो हिस्ट्री के लिए बात करें तो हिस्ट्री के लिए आपको एनसीईआरटी बुक फॉलो करना होगा। 12th स्टैंडर्ड का जो एनसीईआरटी है उसका 1, 2, 3 में है, तो तीनों पार्ट को आप पढ़ लीजिए। पहला में है एंसेंट है, प्राचीन भारत है, दूसरा में मीडिएवल है और तीसरा में मॉडर्न है। तब तीनों के एक बार पढ़ ले, उसमें जो कुछ कुछ डाटा ऐसा है जो कि आपको लुसेंट या फिर अदर गाइड में आपको नहीं मिलेगा, तो उन सारे डाटा को आप एक कॉपी बना के उसको कलेक्ट कर लें, उन सारे डाटा को। वैसे मैं कवर कर रहा हूँ एक एक करके, मैं आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी का जो है ना एनसीईआरटी का मैं कवर कर दूंगा सारा, जो कि प्रीलिमिनरी के लिए जो होगा वो मैं सारा कवर कर दूंगा। थोड़ा सा बीच में डिले हो जा रहा है, लेकिन सारा कवर हो जाएगा, इसमें घबराने की बात नहीं है। तो एनसीईआरटी हो गया, उसके अलावा जो है आप लुसेंट का पढ़ सकते, लुसेंट भी पढ़ सकते हैं। उसके अलावा एक और बुक आता है, एसके पांडे का बुक आता है, एसके पांडे का आधुनिक भारत आता है। अगर ये बुक पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा सा कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर होगा और थोड़ा डिटेल में हल्का सा आप जाएंगे, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बहुत ज़्यादा अगर पढ़ना है तो बिपिन चंद्रा तो खैर सब लोग जानते हैं, तो उतना ज़्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। अभी अगर एनसीईआरटी कह लेते हैं, उसके बाद में एसके पांडे का एक बुक आता है, एसके पांडे, तो अगर वो देख लेते हैं तो आपको कवर हो जाएगा। तो ये बात हो गई हिस्ट्री की। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में भी एनसीईआरटी तो मायने रखेगा, क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी का, वो कहीं ना कहीं वो एनसीईआरटी से ही मिक्स था, तो बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी था। लुसेंट में तो बहुत सारा मिल ही जाता है, लुसेंट तो बहुत सारी चीज़ कवर करता है, लेकिन एनसीईआरटी अगर पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में बहुत अच्छा अच्छा पॉइंट और क्वेश्चन लग रहा है, जैसा कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाना शुरू कर दिया है। तो एनसीईआरटी का आप जो है 11th 12th का ज्योग्राफी आप पढ़ लीजिए, ये आपको काम का होगा। अगर उसके अलावा अगर ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो महेश बैनवाल का बुक आता है, तो महेश बैनवाल का बुक भी आप देख सकते हैं, ये आपके काम का होगा। इस बुक में थोड़ा कंसेप्ट अच्छा दिया हुआ है और अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा, एक स्टोरी लाइन की तरह है, तो इसको पढ़ सकते हैं। फिर एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं और बाकी लुसेंट तो आपको रिविजन करने के लिए, लुसेंट को आप सीधे आप रिविजन करने के लिए मान लें, लुसेंट को आप ऐसा नहीं माने कि उसको पढ़ना है, बल्कि पढ़ना कुछ और किताब है, उसके बाद आपको रिविजन करना है। नोट्स बनाने की आदत डालें, क्योंकि ये बहुत मायने रखेगा इस बार के एग्ज़ाम में। 64th प्रीलिमिनरी, नंबर ऑफ सीट ज़्यादा है, इसका मतलब ये नहीं कि एग्ज़ाम आसान होगा, काफ़ी अच्छे अच्छे स्टूडेंट इसमें भी फाइट करेंगे, तो आपको प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा होना चाहिए। अब आगे हिस्ट्री ज्योग्राफी के बाद के लिए बात करते हैं पॉलिटी का। तो पॉलिटी जो है आपको लक्ष्मीकांत से पूरा कवर हो जाएगा, तो मेरा मानना है कि अब लक्ष्मीकांत के अलावा इधर उधर आप नहीं जाएँ। कुछ कुछ उसका जो टॉपिक है, मैं एक दिन आपका पॉलिटी का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है लक्ष्मीकांत का, वो मैं बता दूंगा। उन सारे टॉपिक्स को आप फोकस करके पढ़ लें, पढ़ना तो आपको सब है, लेकिन कुछ टॉपिक जो है जिसमें आपको जोर देना है, जिससे कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन थोड़ा आता है, तो उस सारे टॉपिक्स को मैं आपको लिस्ट बता दूंगा, आप वहाँ से कवर कर लीजिएगा। तो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, इसका कोई अदर ऑप्शन नहीं है।
अगर कोई आपको अदर ऑप्शन कोई दिखता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि मुझे भी पता चले कि कोई और भी बुक है इसके अलावा। इकोनॉमिक्स में बात करें तो इकोनॉमिक्स में रमेश सिंह का बुक है, आपको अगर कंसेप्ट चाहिए तो रमेश सिंह का बुक बहुत अच्छी है, आपको पढ़ना चाहिए। मेरे ख्याल से सभी को पढ़ना चाहिए रमेश सिंह का बुक, इकोनॉमिक्स के लिए बहुत अच्छा बेसिक कंसेप्ट दिया गया है। लेकिन अगर समय की कमी है और चूंकि इकोनॉमिक्स का जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा करेंट मिक्स होता है, तो इसके लिए आप क्या करें कि प्रतियोगिता दर्पण का जो विशेषांक आता है, इसका आर्थिक विशेषांक आता है, उस विशेषांक को आप देख लें, उसको आप पढ़ लें, छांट छांट को उसका जो है पॉइंट को अगर आप देख लेते हैं तो वहाँ से कवर हो जाएगा। कंसेप्ट अगर चाहते हैं तो रमेश सिंह को जरूर फॉलो करें। तो ये दो बुक है इकोनॉमिक्स का, ये आपके काम का होगा। अब हम लोग आगे में देखते हैं, वो है बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल में देखा जाए तो दो तीन किताब हैं। पहला एक है लुसेंट, बिहार का आता है, तो इससे भी आपका बहुत हद तक कवर हो जाएगा, लेकिन कुछ सेक्शन आपका छूट भी सकता है। तो ये जो बिहार का जो लुसेंट है, जो लुसेंट बिहार आता है, उसको आप देख लें, वहाँ से आपको कवर हो जाएगा। मार्केट में बिहार स्पेशल और भी कई किताब हैं। फिर दूसरा देखिए तो एक इम्तियाज अहमद का किताब आता है, जो कि बिहार के लिए थोड़ा एक मज़ेदार ढंग से लिखा हुआ है, मतलब बहुत सिंपल लैंग्वेज में बहुत आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। तो अगर थोड़ा किताब अगर पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए इम्तियाज अहमद का बुक है, मैं प्रेफर करूँगा, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। उसके अलावा आता है विभास पनोरमा का आता है, जो बिहार स्पेशल, तो विभास पनोरमा का बिहार स्पेशल जरूर देख लें, क्योंकि वहाँ से आपको जो छुटा फटका है, खासकर जो बिहार का आर्ट एंड कल्चर, या फिर जो क्वेश्चन अगर थोड़ा हट कर पूछता है तो विभास पनोरमा उसको कैप्चर कर लेता है। तो बिहार स्पेशल में आप तीन बुक में से एक या दो बुक फॉलो करें। विभास पनोरमा को फॉलो करना चाहते हैं तो करें, इम्तियाज अहमद, ये तीन बुक आपको बताया, तीनों इम्पोर्टेंट है, तीनों पढ़ते हैं तो एक पढ़ आपको एक ही पढ़ना है फोकस के साथ, बाकी दो बाकी जो और पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा रिविजन मेरा हो रहा है। और अंडरलाइन करना सीखें, पॉइंट आउट पॉइंट जो है लिखना सीखें, ये सब आप शुरू कर दें, क्योंकि प्रॉब्लम हो सकता है एग्जामिनेशन के लास्ट टाइम में, जो रिवीजन करने में ये बहुत काम आता है। आपको लगता है सब पता है, लेकिन एग्जामिनेशन में जो ई ऑप्शन देता है ना तो आपका हवाई गुम हो जाता है, लगता है कि मतलब जानते हुए आपको कन्फ्यूजन होता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको एक थोड़ा क्लियर होना ज़रूरी है। साइंस की बात करें तो साइंस जो लुसेंट का सामान्य विज्ञान आता है, उसके अलावा दृष्टि का भी आता है, तो दृष्टि का भी देख सकते हैं। लुसेंट का सामान्य विज्ञान भी बहुत अच्छी किताब है, तो यहाँ से आपको कवर क्या कहते हैं पूरा कवर हो जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री जो है वो लुसेंट दृष्टि का भी आप देख लें, वहाँ से भी हो जाएगा, या फिर इसके अलावा कोई और अगर किताब आपको लगता है नज़र में है तो वहाँ से आप कवर कर लें। और उसके अलावा अगर देखें तो जो साइंस के लिए देखें तो दृष्टि के अलावा जो है और भी एनसीईआरटी का बुक पढ़ सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी बुक में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, थोड़ा बोरिंग भी आपको लगेगा अगर साइंस के स्टूडेंट नहीं है। तो फिलहाल आप एनसीईआरटी का छोड़ें, अभी आप जो है ना इसका लुसेंट का और जो दृष्टि का है उसको आप देख सकते हैं, या फिर अगर आपकी नज़र में कोई और भी सिंपल हो, क्योंकि साइंस यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से वैसा क्वेश्चन नहीं रहता है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो, वो सारी किताबें मिल जाएगी, यानी लुसेंट में भी बहुत हद तक मिल जाता है, तो आप यहाँ से कवर कर लेंगे। फिर आता है मैथ, मैथ में आता है 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन जो बेसिकली पहले जो होता था वो इंटरमीडिएट लेवल का कैलकुलस होता था, जिसमें डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लिमिट वगैरह क्वेश्चन होता था। लेकिन अभी जो है देख रहे हैं कि पिछले 2 साल से पैटर्न में कुछ चेंजिंग लाया है, 60-62 का अगर प्रीलिम्स देखें तो वहीं से पैटर्न में चेंजिंग लाया और ज़्यादा से ज़्यादा रीजनिंग मैथ पूछने की कोशिश कर रहा है। रीजनिंग मैथ का मतलब हो गया कि वैसा मैथ पूछने की कोशिश कर रहा है जो कि सभी लोग बना सकें। पहले जो होता था ना कि वो साइंस में भी, वो भी साइंस में जो इंटरमीडिएट में अच्छा से पढ़ें कैलकुलस, वही बना पाएंगे। लेकिन अभी जो इसके दिमाग में है वो कोशिश कर रहा है कि सभी के लिए प्लेटफॉर्म मिले, मतलब सभी को इक्वल बैटल फील्ड की तरह मिले, तो यहाँ पर सभी को मौका दिया जाए। तो इस कारण कह सकते हैं कि मैथ का रीजनिंग जो है, कोई भी किताब आयस अग्रवाल हो गया या फिर आपको जो भी किताब लगता है कंफर्टेबल जिसके साथ भी आप हैं उसको आप पढ़ लें। रीजनिंग और जो एनालिटिकल मैथमेटिक्स होता है उसको आप देख लें, तो मेरे ख्याल से यहाँ से आपको कवर हो जाएगा। इसके अलावा आप करेंट के लिए क्या करें, कुछ एक मैगजीन आप फॉलो करें, जो भी मैगजीन कहते हैं, बहुत सारी वेबसाइट पर, अब तो वेबसाइट पर भी आपको अच्छे से मिलने लगे हैं इन्फॉर्मेशन। और पूरा जो है एक साल का अगर देख लें तो आपको मान के चलें कि अभी जो है तो मिड 2017 से, यानी 2017 जून जुलाई से लेकर अभी तक आप जो है कवर कर सकते हैं। हालांकि एक साल तक माना जाता है कवर करना, यानी 2018 भी कवर करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन फॉर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आप थोड़ा सा 4-5 महीना पहले भी कर लेंगे 2017 का तो चलेगा। और दूसरी बात है कि जो क्वेश्चन ज़्यादा जोर दिया जाता है वो जोर दिया जाता है करेंट अफेयर्स में, कि जो लास्ट के 3-4 महीना का जो घटनाएँ हैं ना, तो उन सारी घटनाओं को आप बारीकी से, लास्ट के 4 महीना का जो मैगजीन्स होते हैं उसके लिए आप 2-3 मैगजीन को यूज कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट जो 4 महीना का होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसके बहुत सारे डायमेंशन हो जाते हैं। तो ऐसे में लास्ट 4 महीना का मेरे ख्याल से आप मानते हैं तो क्रॉनिकल, प्रतियोगिता दर्पण,
या फिर जो करंट अफेयर्स का और भी किताब आती है, तीन चार बुक आप चार महीना के लिए मात्र उसको एक बार रीडिंग दे दे, एक बार रीडिंग दे दे, जो पहले आपको पता है वो तो उसमें आपको दिखना ही नहीं है, जहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है उस पर आप टिक कर दें, उसको डार्क कर दें या फिर लाइनिंग कर दें, जैसे भी आप कर सकते हैं, या फिर कॉपी में लिख लें। तो इस आधार पर अगर कर सकते हैं तो 64th का प्रीलिमिनरी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो बस आप अपना जो है मेहनत करते रहें, अपना जो कंटिन्यूटी है बनाए रखें, इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है कंटिन्यूटी, क्योंकि नवंबर में एग्ज़ाम है तो मान के चले सितंबर अक्टूबर नवंबर ज़्यादा से ज़्यादा तीन महीना मान के चलो, तो तीन महीना आपके पास है, इस तीन महीना को आप बहुत अच्छा से इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत अच्छा से तैयारी कर सकते हैं, क्वेश्चन चाहे कितना भी स्टैंडर्ड पूछे आप बना सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका तैयारी कैसा है। तो तीन महीना सफिशियंट है तैयारी करने के लिए, अभी से आप अगर तैयारी में जुटे हैं तो बढ़िया से लग जाए। और यहाँ पे जो है मैं करंट अफेयर्स जो है पूरा एक साल का मैं कराने की कोशिश करूँगा, तो बस मेरा प्रयास है। और आप लोग जो है जितना मैं बुक दिया, जितना मैं बुक का लिस्ट आपको मैं बता रहा हूँ, उन सारे बुक में से आपको जो अच्छा लगता है, इसके अलावा भी बुक हैं तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, मेरी तरफ से जो सजेशन था वो मैं आपको बता दिया कि ये सारे बुक जो इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर आपको लगता है कि और भी कोई बुक इम्पोर्टेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसको देखूंगा, मैं फिर बताऊंगा कि वो बुक आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है। तो ये था आज हमारा 64th प्रीलिम्स के रिलेटेड बुक। आगे जो हम लोग 63rd के लिए जो बुक्स होगा मेंस के लिए उसको भी एक बार डिस्कस कर लेंगे। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।